हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। मींस इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा? तो पहले ध्यान दें, 3 का मल्टीपल है 9, ना कि 3 फैक्टर है। 3 तो फैक्टर है और 9 क्या मल्टीपल? तो इसका आंसर आएगा नो। जैसे 6 हो गया, क्या 6 तो 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है? नहीं। इसका आंसर फर्स्ट वाले का क्या है? फॉल्स, राइट। इस टाइप से आपको लिखना है। सेकंड वाला, अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, क्या वो 3 से भी डिवाइड होगा? यस, क्योंकि 9 का ही फैक्टर है, 9 का ही फैक्टर है। तो सेकंड वाले का क्या होगा? यस होगा, ट्रू। इसी टाइप से हमको ये पूरे ट्रू फॉल्स करने हैं। जो अपन ने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा ना, सेम वही चीज करना। अब हम इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ट्रू फॉल्स भी अच्छे समझ में आएंगे। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो जो 18 से डिवाइड होगा क्या 6 और 3 से भी हो जाएगा? यस हो जाएगा। अपन ने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया हुआ, उसी के पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Where, here are two different factor trees. Two different factor trees. Last attempt, 60 आ रहा है, right? The missing number. अभी हमारा factor tree क्या है? 60. Second वाले का. तो एक factor tree में यहाँ क्या दिया है? 6 दिया है. 6 10 जा, right? 6 10 जा 60 हो गया. अब 2 किस table में आता है? 6. तो 2 के 3 जा. Then यहाँ पे 5 दिया है. तो मिसिंग नंबर हमारा क्या होगा कि हमें दोनों मल्टीप्लाई किया, ये आया इन दोनों मल्टीप्लाई किया है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर है ऐसे जो हम नहीं लेते हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मींस 1 वो नंबर है और जो नंबर खुद है वही बस जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है और कंपोजिट नंबर्स में रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का आंसर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो बच्चों, जैसे कि हम जिन सब जानते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कौन सा है, राइट? सबको मालूम है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर आ रहा है वो 9999, ठीक है? 9999, ये क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना रहेगा। तो हाउ विल राइट इट? 3 × 3 × 11 × 101, ये जो डिजिट्स हैं ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। मींस जो डिजिट है हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, दैट इज 9999, और जो इसका प्राइम फैक्टर निकाला, फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 11 × 101, ये सबको निकालते हैं। तो कैसे निकालना रहता है? तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये लिखा, देन एचसीएम और एलसीएम के प्रोसेस इस ढंग से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यही बताना है कि हमको स्मॉलेस्ट जो डिजिट है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स वाला नंबर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, है कि नहीं? अब हमको इसका क्या बताना है? एक्सप्रेस इट इन प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट हमने जो लिखा हमारा 5 डिजिट नंबर, दैट इज 10,000, और जो इसका वो आएगा आंसर, दैट इज प्राइम फैक्टर में वो चाहिए हमको, 2 × 2 × 2 × 2, देन 5 × 5 × 5 × 5, ये हमारा इस ढंग से तरीके से हम वो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ ढंग से निकाला जाएगा इसका आंसर, राइट? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1,729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। Now state the relationship between them. Means हमको 1,729 के prime factors निकालना, उसको arrange करना है। इसी type से आपको 7, 8, 9 means सबका arrangement करना है और answer लिखना है।
जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है कि 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर 18 जैसे 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये डिविजिबल बाय 6 भी होगा? तो यस हो जाएगा, क्योंकि 18 का फैक्टर है 6, तो मींस कोई भी डिजिट है उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो अपने फैक्टर्स को भी डिवाइड करके चलता है, तो 11 का आंसर भी यही रहेगा। देन 12th का आंसर, 11th का आंसर 6 में है और ये जस्टिफाइड हो जाता है, यस हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज 6 इज द फैक्टर ऑफ 18। इसी टाइप से आपको 11 साथ साथ 12 भी करना है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर क्या हो सकते हैं। तो हम 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स शुरू में ले लेते हैं 12 वाले, तो वो गेट 2, 3, 5, 7। हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 3, 5, 7 को, तो हमारा आंसर आया 210। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा एक्सरसाइज, सो कीप प्रैक्टिसिंग। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6।